राइट आर रोमन न्यूमरल्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग्स हमने इनके लिए रोमन न्यूमरल्स सीखने हैं ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी सेवन के लिए रोमन न्यूमरल जो होता है वो कितना होता है सबसे सब पहले एक्स उसके बाद एक्स उसके बाद आ जाएगा वी एंड उसके बाद डबल आई यह है न्यूमिर न्यूमर रोमन न्यूमरल ट्वेंटी सेवन के लिए एक्स एक्स वी आई एंड आई फिफ्टीन के लिए अब फिफ्टीन के लिए क्या हो जाएगा एक्स वी ट्वेंटी नाइन इसके लिए क्या हो जाएगा एक्स एक्स आई एक्स थर्टी फाइव थर्टी फाइव के लिए क्या हो जाएगा एक्स 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 एंड बी नाइनटीन के लिए क्या हो जाएगा नाइनटीन के लिए हो जाएगा एक्स आई एक्स ओके सर फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन सो राइट द हिंदू और अरेबिक न्यूमरल्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सो हमने इनके लिए हिंदू और अरेबिक न्यूमिरल्स लिखने जो हमारे न, आम नंबर होते हैं न टू थ्री एक्स तीन है सो थर्टी थर्टी फोर फर्स्ट है थर्टी फोर बी में बी है ट्वेंटी फाइव सी है थर्टी डी है थर्टी एट एंड ई है थर्टी नाइन अब थर्ड राइट द आंसर्स अबाउट योर सेल्फ इन रोमन न्यूमरल्स सो हमने रोमन न्यूमरल्स में हम अपने के बारे में लिखना है माई डेट ऑफ बर्थ इज जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ हो जैसे कि देखो जिस डेट पर भी आप आपकी आती हो थर्टी वन तक होती है हमारी सो so, देखो आ, आई से लेकर अगर आप देखो मंथ की डेट्स होती है थर्टी वन तक आई टू आई सो मेरी जो डेट ऑफ बर्थ है वो है फाइव यानी यहाँ पर हम लिख देंगे वी आई एम डैश इयर्स ओल्ड वेट सबसे पहले मैं आप सबको एक स्क्रीन दिखा देता हूँ जिसके के ऊपर ये सब कुछ लिखा हुआ है कि क्या Uh, कि रोमन न्यूमरल्स कौन से कौन से होते हैं मैं आप टेन आप सेकेंड्स देख लो और उसके हिसाब से मैं आपसे को फिल करके दिखाता हूँ सो so, अब आपने देख लिया है आई एम डैश ईयरस ओल्ड देखो आप जितने भी ईयर्स ओल्ड हो जैसे कि अगर आप एट ईयर्स ओल्ड हो नाइन ईयर्स ओल्ड हो आपने उतना ही लिखना है सो so, यहाँ पर आपने अपनी एज लिख देनी है सो so, मेरी एज नाइन नहीं है बट तो भी मैं लिख रहा हूँ सो नेक्स्ट है द नंबर ऑफ माई बर्थ मंथ इज सो जो बर्थ मंथ हो आपका जैसे कि वन टू थ्री फोर जैसे कि जनवरी फर्स्ट होता है फेबररी सेकेंड होता है वैसे ही मेरा है ट्वेल्थ सो so, मैं लिखूँगा ट्वेल्थ आई स्टडी इन क्लास जो भी आप स्टडी करो क्लास में ये आप जो आपने लिखना है वो है थर्ड क्योंकि आप थर्ड क्लास में स्टडी करते हो डैश पीपल लिव इन माई हाउस जितने भी लोग आपके घर में रहे आपने उतना लिख दिया मेरे घर में फाइव पीपल रहते हैं सो so, मैं फाइव यहाँ पर लिखूंगा देर आर डैश चिल्ड्रन इन माई क्लास सो कितने चिल्ड्रन है uh, हमारी क्लास में मेरी क्लास में है थर्टी आई हैव डैश फिंगर्स ऑन माई ऑन बोथ माई हैंड सो कितनी फिंगर्स होती है एक ये वाला हैंड एंड एक दूसरे वाला हैंड दोनों के मिलकर हो जाती है एक्स यानी टेन ओके सर फ्रेंड्स अब मैं आपसे को बताता हूँ पुट ऑन योर थिंकिंग कैप इफ नाइन इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम मी आई बिकम फोर्टी सेवन अगर नाइन मेरे से सब्सट्रैक्ट किया जाए तो मैं फोर्टी सेवन बन जाता हूँ फोर्टी सेवन में हम नाइन प्लस कर कर देख लेते हैं कितना आता है वो आ जाता है फिफ्टी सिक्स इफ वी गेट नाइनटी वन आफ्टर सब्सट्रैक्ट ए नंबर बाई थर्टी देन वट इज द नंबर नाइन्टी वन प्लस थर्टी क्या हो जाएगा वन हंड्रेड ट्वेंटी वन इफ़ द प्रीडीसर ऑफ नाइन हंड्रेड थर्टी सिक्स इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट गिव द डिफरेंस वन सब्सट्रैक्ट द प्रीडिसर ऑफ द स्मॉलेस्ट फाइव डिजिट नंबर फ्रॉम दी प्रीडिससर ऑफ द लार्जेस्ट फाइव डिजिट नंबर सो स्मॉलेस्ट फाइव डिजिट नंबर का प्रीडिससर यानी स्मॉलेस्ट फाइव डिजट नंबर क्या होगा वन जीरो 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 एंड जीरो सो so, ये स्मॉलेस्ट वाला है इसका प्रीडिस इसका वाला हो जाएगा नाइन थाउजेंड नाइन हंड्रेड माइनस अब देखो प्रिडिस जो हो लार्जेस्ट वाले का लार्जेस्ट वाला क्या होता है नाइन सो so, उसका हो जाएगा नाइन मतलब कि हमने उल्टा लिख रहे है यहाँ पर एट डाल देना बस और ये सब कुछ सेम ही रहेगा सो इसमें से अब देखो इसको सब्जेक्ट कर दिए यहाँ पर हम कर कर दिखा देते हैं एंड यहाँ पर नाइन 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 माइनस कर दिया एट ये यह आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा सेवनटीन एट एटीन आएगा यहाँ पर आएगा एटीन वेट ये यस यहाँ पर आ जाएगा एटीन एंड यहाँ पर भी आ जाएगा एटीन यहाँ पर भी आ जाएगा एटीन एंड यहाँ पर आ जाएगा एट सो देखो एटीन में से नाइन नाइन 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 एंड यहाँ पर आ जाएगा एट सो हमारा आंसर आ जाएगा एटी नाइन थाउजेंड नाइन हंड्रेड एंड नाइन्टी नाइन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ फाइव इन द नंबर फिफ्टी सेवन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड फोर्टी सो प्लेस वैल्यू है फिफ्टी थाउजेंड एंड जो फेस वैल्यू है वो है फाइव सो इन दोनों को माइनस किया हमने यहाँ पर रख कर सो यहाँ पर नाइन यहाँ पर नाइन यहाँ पर नाइन एंड यहाँ पर फोर टेन में से फाइव की टेन में से फाइव के फाइव यहाँ पर नाइन यहाँ पर नाइन एंड यहाँ पर नाइन एंड यहाँ पर फोर सो हमने हमारा आंसर क्या देगा फोर्टी नाइन थाउजेंड नाइन हंड्रेड नाइन्टी फाइव ओके सर फ्रेंड्स आज की वीडियो के लिए इतना ही मिलता है नेक्स्ट तब तक के लिए बैब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना इस वीडियो को लाइक कर देना मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग